हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल 360 एकेडमी पर। मैं हूं आदर्श कुमार। शुरू करता हूं आज की क्लास। देखिए, पिछली क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, मिश्रण पढ़ रहे थे। मिश्रण हम लोगों ने पहला पार्ट कवर कर लिया है, दूसरा पार्ट कवर कर लिया है और अभी ये हमारा तीसरा पार्ट है। देखिए, हो सकता है आपके दिमाग में ये आ रहा हो कहीं ना कहीं कि लगभग एक घंटे में सारा मिश्रण हो जाता है, एक क्लास में हो जाता है, अदर जगह जब पढ़ते थे कभी। तो ये चीज़ समझिए कि मैं जो लेवल पढ़ा रहा हूँ वो आपको सारे टाइप पढ़ा रहा हूँ, एक भी चीज़ आपका छूटने ना पाए। जैसे कहते हैं ना, एक भी बच्चा छूट गया और हमारा संकल्प टूट गया। तो एक भी टाइप अगर छूट गया तो समस्या हमारे लिए गंभीर हो जाएगी। लोग देखते हैं कि इसका जो जितने टाइप बनते हैं, इस प्रकार से आप देख लेते हैं। तो ये है मिश्रण का आपका तीसरा भाग, तीसरा पार्ट है ये मिश्रण या एलिगेशन का तीसरा पार्ट है। और इसमें हम लोग देखते हैं किस किस टाइप के बनते हैं। और देखना फिर इसमें हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उन चीज़ों को समझेंगे कि जैसे कि आपके जो एग्ज़ाम में बनते हैं, जितने तरीके आपको आने चाहिए उतने तरीके हम बता देंगे। जो जो सवाल का कॉन्सेप्ट है वो आप समझ लीजिएगा, है ना। तो सारी चीज़ आप समझते रहिएगा सारी चीज़ें। तो अगर हम बात करें एक सवाल की, देखते हैं, जैसे एक सवाल आपके सामने, इसको पढ़िएगा, इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। तो कहा है इसमें सवाल में, किसी 729 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:2 है। एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 प्राप्त करने के लिए कितना लीटर पानी मिला है। देखो, सवाल को समझिएगा आराम से। एक हमारे पास मान लो कि ये एक ड्रम है, ठीक है, जिसमें दूध और पानी कितना भैया आपका 7:2 है। आराम से समझते चलना सारी चीज़ों को, बिल्कुल एक एक चीज़ कॉन्सेप्ट के तरीके से, ठीक। तो इसमें दूध कितना है 7, पानी कितना है 2। फिर हमको एक ऐसा मिश्रण तैयार करना है जिसमें दूध और पानी का अनुपात, एम से दूध मतलब मिल्क और ये 3, 7:3 हो। तो अब क्या करना है, देखो इसमें पानी कितना था 2, इसमें पानी कितना है 3, समझना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर इसमें कन्वर्ट करना है तो हमको अलग से कुछ मिलाना पड़ेगा। और अलग से क्या मिलाना पड़ेगा, तो अलग से मुझको मिलाना पड़ेगा पानी। समझ में आया, इसने बता ही दिया है कि कितना पानी मिला दे, कितना पानी ऐड कर दे कि ये हमारा सोल्यूशन तैयार हो जाए, ये मिश्रण हमारा तैयार हो जाए। तो इसके हम 2-3 तरीके हैं, समझाते हैं आपको। सिंगल लाइन पे भी लगेंगे, इसको कॉन्सेप्ट बेस भी लगेंगे। तो ये आप समझ चुके होंगे क्या कह रहा सवाल में। अब हम लोग देखते हैं कि इसके जो मेथड्स निकल के आते हैं वो क्या होंगे। जो आपको पूरा सोल्यूशन या पूरा मिश्रण बताया ये कितने लीटर का है, तो 729 लीटर का है, ठीक। जिसमें दूध और पानी का अनुपात पहले से दे दिया है कितना 7:2 अगर दिया है, तो ये बताओ पूरा मिश्रण कितना हो गया, पूरा घोल। तो पूरा घोल हो गया 9। और जिसमें दूध कितना हो जाएगा, ये दूध और पानी दिया है, दूध कितना हो जाएगा, कितने भाग दूध है 7। तो हम क्या कह सकते हैं, 729 लीटर में 7 भाग दूध है और बाकी क्या है, पानी है। पूरे 9 भाग में 7 भाग दूध है, तो ये हो गया हमारा दूध। समझना इस चीज़ को आराम से, ये पूरा घोल है, पूरा घोल। फिर बाकी अगर पानी की बात करें, पानी की, तो पानी कितना है, तो 729 लीटर में 2 भाग हमारा पानी है और 9 भाग में 2 भाग क्या है हमारा, पानी है। 7 भाग दूध है, 2 भाग पानी है, ये हमारा निकल के है। अगर यहाँ से देखें तो 9 से कटेगा 81, तो ये आ जाएगा 81 × 7, और ये बनेगा आपका, फिर कटेगा 9 से 81 मतलब 81, और यहाँ 81 × 2। तो ये हमें पता चल गया कि दूध इतना है और पानी इतना है। और तब अगर जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, दूध और पानी मिश्रण बन जाएगा 729 लीटर का। अब फिर समझना इस चीज़ को। तो हमने लिख लिया, दूध को हम मान लेते हैं मिल्क कहते हैं और पानी को हम लोग कहते हैं वाटर, ठीक। तो देखना इस पर भैया कि ये आपका है दूध 81 × 7, और यहाँ पर कितना है, चलो 2×1 = 2 और 2×8 = 16, 162 लीटर पानी है। हमको क्या करना है, देखो ये मेरे पास है, अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें, तो यहीं पर क्या हो जाए, 7×1 = 7 हो जाएगा और 7×8 = 56 हो जाएगा। अब क्लियर है इतना। फिर ये इन्होंने ये बताया कि हमको ये दूध और पानी का अनुपात कितना प्राप्त करना है। तो हमको दूध कह रहा है 7 ही रहे लेकिन पानी का अनुपात कितना हो जाए, 3 हो जाए। अगर ये इतना हो जाए तो हमको कुछ तो ऐड करना पड़ेगा, और क्या ऐड करना पड़ेगा, पानी बताया इन्होंने, क्या बताया, पानी। तो पानी अगर हम एक्स मिला दें तो ये चीज़ आपकी जो है सेटिस्फाई हो जाएगी। अगर ये चीज़ सेटिस्फाई होगी तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना जानते हो, देखो क्या कट जाएगा, 7 से यहाँ ऊपर ऊपर काट दो, 7×8 = 7×1, इसीलिए आपका कर नहीं रहते यहाँ पर। अब क्या करना है, अब आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3×1 = 3 और 3×8 = 24, यहाँ पर कितना आ जाए 162 + x। अब क्या करना है, अब इसको घटा देना है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा और यहाँ पर 14 + 81, ये x का मान निकल गया। मतलब कि x बराबर जो है कितने लीटर पानी मिलाया जाए,
एक्स बराबर पानी की तो बात की है, एक्स बराबर हमने क्या बताया था पानी, तो पानी कितने लीटर मिला दें, पानी 81 लीटर अगर मिला दें तो ये हमारा जो है अनुपात ये मिलकर तैयार हो जाएगा। समझ गए उस चीज़ को? जैसे मैंने बताया कि 7:2 था दूध और पानी, और हम इसमें कितना मिला दें 81 लीटर मिला दें, जिसमें कितना है पहले से 729 है, अगर 81 मिला दें दूध और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा 7:3 हो जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर है सारी चीज़ें? बिल्कुल बेसिक से बताया है इसको। चलो इसको हटाते हैं, एक दूसरा मेथड सीखते हैं इसमें। देखो मेथड इसलिए बता रहे हैं कि आपको हो सकता है ये ना समझ में आए तो अगला समझ में आ जाए, अगला ना समझ में आए तो अगला समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए देखो, एक आपका बनता है फार्मूला बनता है, एक सूत्र बनता है, जो भी कहना चाहो कह लो। तो इसमें बनता है आपका, जैसा कि हमें बताया गया था कभी जब हमने अपने तैयारी के पीरियड पढ़ा था, तो उसको बोलते थे N1V1 बराबर N2V2। ये क्या है? तो ये होता है, देखो N1 और N2 जो होता है, N1 और N2 जो होता है इसको बोलते हैं स्थिर मात्रा। समझना इस चीज़ को आराम से, स्थिर मात्रा, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन के ऊपर जा रहा हो, इसको यहाँ पर लिख दें N1 और N2 बराबर स्थिर मात्रा। लिखते चलना भैया सब लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी पेन उठाकर सारी चीज़ लिखते चलना, अगर आप लिखोगे तो समस्या आएगी। और एक और बात आपसे भी करनी है तो करेंगे। तो अब देखो V1 V2 क्या होता है, V1 का मतलब है पहले की मात्रा और V2 का मतलब होता है बाद की मात्रा। ये बता रहे सारी चीज़ें क्या हैं, बाद की मात्रा, ठीक है। पहले की मात्रा V1 और बाद की मात्रा V2। तो देखो V1 का मतलब पहले का आयतन या मात्रा या जो भी चीज़ें, V2 का मतलब बाद की मात्रा या आयतन जितना हो गया है। इस चीज़ को हमको लगाना है, अप्लाई करना सवाल में। तो देखना ये बताओ मुझे कि बर्तन में दूध और पानी था पहले, जिसका अनुपात कितना था 7:2 का था। अगर 7:2 का था इस प्रकार से कुछ था, और हमने बनाना था कितना 7:3 का बनाना था। तो ये बताओ मुझे स्थिर इसमें क्या है, ये है दूध और ये है पानी, ये है दूध और हिंदी में लिख दें और ये है आपका पानी, ठीक। तो स्थिर क्या है आपका, स्थिर का मतलब जो आपका कांस्टेंट है, जो यहाँ पर नियत है। यहाँ पर नियत क्या है, जैसे मान लो आप शरबत बना रहे हो, तो शरबत में आपने चीनी डाला और पानी डाला, मिलाना स्टार्ट किया, फिर आपने पानी और डाल दिया, ठीक है, फिर मिला रहे हो, फिर पानी और डाल दिया, तो वहाँ पर नियत क्या है, कांस्टेंट क्या है, चीनी ही तो नियत है। लेकिन अगर आप पानी रोक रहे हो, चीनी बढ़ा रहे हो, चीनी बढ़ा रहे हो और बढ़ा रहे हो और बढ़ा रहे हो, तो वहाँ पर कांस्टेंट क्या हो गया आपकी, चीनी हो गई। तो समझना यहाँ पर स्थिर क्या है, स्थिर यहाँ पर दूध है। क्या है स्थिर आपका, दूध है। तो हमने बताया स्थिर मात्रा हमको देखनी है, क्या देखनी, स्थिर मात्रा। तो इसमें स्थिर मात्रा अगर देखें, स्थिर मात्रा किस चीज़ की थी, इसमें, इसमें स्थिर क्या है, तो इसमें स्थिर है दूध, N1 का मतलब दूध है, दूध है स्थिर, कितना दूध है 7 है पूरे 9 हिस्सों में। और V1 का मतलब पहले मिलियन की मात्रा या घोल की मात्रा कितनी है, तो 729 है, ठीक। बाद में जो हमने तैयार करना है, जो ये तैयार करना, इसमें कौन स्थिर, दूध स्थिर, कितना भाग दूध है, तो 7 भाग है। और इसमें कुल भाग कितना है, इसमें कुल भाग था 9 और इसमें कुल भाग हो जाएगा 7:3 = 10 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ मुझे कि जब ये 729 लीटर था तो बाद में कुछ बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा नहीं बढ़ेगा, कुछ बढ़ जाएगा, और कितना बढ़ेगा, तो कुछ बढ़ेगा वो मुझे नहीं मालूम कितना बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा जो हमने ऐड किया है, बाहर से मिलाया है, और बाहर से हमने क्या मिलाया है, पानी मिलाया या एक्स जो भी मिलाया, ये हो जाएगा यहाँ तक। अब क्या करना है, 9 से कटा 81, ठीक है। देखो 7 से ये 7 कट गया, ये इधर आ गया, तो ये हो जाएगा 810, यहाँ पर 729 और प्लस एक्स, कैंसिल जब करेंगे, सॉरी कैंसिल जब यहाँ से हम सब्ट्रैक करेंगे तो इधर आएगा, तो एक्स बराबर 81, ये आ गया इतना। मतलब कि हमने पानी कितना मिला है, बाद में जो अस्थिर मिलाई है, अस्थिर चीज़ मिलाई है, वो कितना मिला है हमने, 81 लीटर मिला है पानी, मतलब हमने कितना मिला दिया 81 लीटर। क्लियर है भाई? देखो थोड़ा स्लोली समझाने की कोशिश की है, टाइम भले ज़्यादा लगे, टाइम क्या करोगे, बैठे तो रहोगे, फ्री में तो हो, थोड़ा समझ लो अच्छे, सारी चीज़ें एक समझ लो, क्लियर हो जाए। चलो इसको समझ, अच्छा हटा दें इसको। चलिए अब आपको बताते हैं एक यूनिक और यूनिक रेशियो से लगाते हैं हम लोग हैं इसको, समझना। जो आपको क्लास में ना समझ में आए कभी, वो आज यहाँ पर समझने की कोशिश करना, और यहाँ पर तुम आपकी उंगलियों के गुलाम हैं, जितनी बार चाहो उतनी बार बैक कर दो, जितनी बार चाहो उतनी बार पीछे कर दो। देखो क्या है भाई, सवाल में कहा था कि जो दूध और पानी का अनुपात कितना था 7:2 था, ठीक। बाद में हमें प्राप्त कितना करना है,
बाद में हमको प्राप्त करना है कि जिसमें दूध कितना हो, 7 हो, और पानी कितना भाग हो, 3 भाग हो। ये हमको पता चल गया कि इसमें स्थिर कौन है, ठहरा कौन है, ठहरे हुआ पानी है ना, तो ठहरा हुआ पानी नहीं, ठहरा हुआ क्या है, दूध है। तो ठहरे हुए दूध में हम लोग ने क्या मिलाया, मिलाया हमने पानी, तो यहाँ हमने लिख दिया मिल्क और यहाँ हमने लिख दिया वाटर। ठीक, तो हमने क्या मिलाया, पानी मिलाया। कितने से मिलाया, तो हमने मिलाया एक, मिलाया एक हिस्सा, मिलाया पानी, एक अनुपात मिलाया। देखो हम स्थिर कैसे जानेंगे, स्थिर हमको कर दिया गया, पहले बता दिया गया, पानी मिलाया तो पानी मिला, अस्थिर कौन हो गया, ये हो गया, स्थिर कौन हो गया, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर वैल्यू स्थिर है इसकी, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो हमारा स्थिर भी है। ठीक है, तो हमने कितना पानी मिलाया, एक भाग मिलाया। अब समझना यहाँ पर कुल भाग जो था, कुल भाग कितना था, 9 था, और सचमुच में कितना था, 729 लीटर, 951 और 9 से कटेगा 81, 81। तो एक बराबर कितना आ गया, 81। तो एक बराबर कितना आ गया, 81। तो हमने पानी कितना मिलाया, 2 से 3 बढ़ाने के लिए ने एक अनुपात बढ़ाया, और यहाँ पर पानी सचमुच में कितना बढ़ाया, 81 लीटर बनाया, दैट इज आंसर 81 लीटर। ठीक है, क्लियर सारी चीज़ें। तो ये आपका जो भी तरीके थे मैंने बता दिए सारे। देखो सवाल मुझे समझाना था कि सवाल आप समझ लो, प्रैक्टिस आप 20 बार कर लो चाहे 100 बार कर लो, अगर आप सारे तरीके समझ लेते हो, जरूरी नहीं आपको एक घंटे में 100 सवाल लगवाएं, इसका कोई मतलब नहीं है। बस हम ये सोचते हैं कि आपके अंदर वो उतर जाए, दिमाग में आ जाए। आप खुद लगा लो एक घंटे में 200 सवाल, हमसे एक्सपेक्ट ना करो इतनी कि हम आपको उतना करवाएंगे, फिलहाल करवाएंगे ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए भैया, तो इसको समझ चुके हो अच्छे से, अगर इसको समझ चुके हो तो अगला सवाल हम दे रहे हैं, और इसको आप तीनों तरीके से लगाना, तीनों तरीके से। चलिए, सवाल में कहा है दूध तथा पानी के 40 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:1 है, दूध तथा पानी का अनुपात 3:1 करने के लिए मिश्रण में कितनी मात्रा पानी की मिलानी होगी, कितना है, 7:1। अब देखो सेकंडों में अगर लगाना हो, जो मैंने इतनी देर तक आपको बोला कि 13-14 मिनट खा लिए हैं, तो अगर इसको सेकंडों में लगाना तो कैसे करेंगे। पहले कितना है दूध और पानी का अनुपात, जो 40 लीटर का कंटेनर है उसमें पहले कितना है, 7:1 है, तो ये कितना है, 7:1। तो हमने बना लिया, बना क्या लिया, यही है आपका। ठीक है, ये इसमें दूध कितना है, 7 है, और पानी कितने भाग है, 1 भाग है, तो मतलब रेशियो हमारा आ गया 7:1 का आ गया। ठीक, फिर क्या बताया है, फिर हमको बताया गया है कि इसको हमें कितना बनाना है, 3:1 बनाना है, मतलब हमको ये इस प्रकार से, ऐसे इस प्रकार से बनाना है कि अगला जो हमारा कंटेनर तैयार हो, अगला मिश्रण तैयार हो, जिसमें दूध की मात्रा कितनी हो, 3 हो, और पानी की मात्रा कितनी हो, 1 हो, ये बता दिया गया है। ठीक, मिलाया क्या जा रहा है, तो मिलाया इन्होंने बता दिया है कि पानी मिलाना है, क्या मिलाना है, पानी। तो ये मुझे आप बता दो कि स्थिर कौन है, कॉन्स्टेंट कौन है, तो कॉन्स्टेंट हो गया आपका दूध हो गया, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 3:1 हमको तैयार करना है, लेना है। ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1 लिख दिया। ठीक, अब देखो स्थिर क्या दिख रहा है आपको, ये यहाँ पर 7 है दूध, लिख दें ये दूध यहाँ पर कितना है, 7 है, और पानी कितना है, 1 है, यहाँ पानी 1, यहाँ पानी 1, यहाँ दूध 7, यहाँ दूध 3, तो देखो दूध तो स्थिर नहीं लग रहा है, क्या स्थिर लग रहा है यहाँ पर, तो हम स्थिर करेंगे, इसको बराबर करेंगे। करेंगे कैसे, तो इसका दूसरा तरीका देखना, क्या करेंगे, अगर यहाँ हम 3 से गुणा कर दें और यहाँ हम 7 से गुणा कर दें, पूरे में इसको 3 से गुणा करेंगे 21, इसको 7 से गुणा करेंगे 21, अगर ये 21 ये 21 तो स्थिर हो गए, तो हम पूरे से गुणा करेंगे, इसको हम बनाएंगे 3×7=21, यहाँ पर लिख लें, और 3×1=3 अनुपात लगा के 3×1=3, 7×3=21 और 7×1=7। देखो क्या बन गया आपके सामने, अब देखो दूध कितना हो गया 21, बाद वाले बर्तन में दूध कितना है 21 है, पहले बर्तन में पानी कितना था 3 है, और बाद वाले बर्तन में पानी कितना हो गया हमारा 7 हो गया, कितना पानी बढ़ गया, कितने अनुपात पानी बढ़ गया, 4 बढ़ गया। अब ये मुझे बताओ कि ये जो पूरा घोल था 21 और 3, 21 3 कितना, 21 3 24, पूरा घोल कितना है हमारा 24 भाग, और सचमुच में घोल कितना था पहले, तो सचमुच में घोल था 40 लीटर, इतना क्लियर है। तो ये बताओ मुझे कि 1 बराबर कितने निकलेगा, तो 1 बराबर आ जाएगा 40/24, 1 बराबर इतना आ गया, तो 4 बराबर कितना आएगा, तो 4 इधर गुणा कर दिया और 4 इधर गुणा कर दिया, क्या बात समझ रहे हो आप, 2 से कट गया, 2 3 6
और 2 से घटा 20, 20/3। अब 20/3 का मतलब क्या होता है, 20/18 और बचा 2 और यहाँ पर 3, इतने लीटर हमको क्या मिलाना है, पानी। ठीक है, आप इसको बैक करके अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट भैया ले लीजिए, सवाल के आगे से हट जाएं आराम से, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। आपका दूसरा तरीका भी जल्दी से बता देते हैं, फास्ट बता देते थोड़ा सा। और एक चीज़ आपके लिए, अभी इस संडे आपको और कुछ पूछना हो, कोई आपके दिमाग में टॉपिक हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी प्रकार की समस्या हो, कुछ भी हो, तो आप कमेंट करिएगा, हमें बताइएगा, उस वो चीज़ आपकी हम जरूर लेंगे अगले संडे में। क्योंकि आपको पता है संडे जो हमारी होती है वो अलग हटके कुछ होती है, उसमें कोई टॉपिक नहीं ऐसा, पढ़ाई से रिलेटेड बहुत कम होते हैं। जो भी आपको पूछना है, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी आपकी सारी चीज़ें होंगे, उन क्वेरीज को, उन चीज़ों को, उन टॉपिक को, अगर आप कोई टॉपिक कहते हो सर वो चीज़ बताइए या उन चीज़ों बात करिए, तो उस पर हम बात करेंगे। ठीक है, इसको हटा दें। चलिए N1 में जल्दी देखते हैं, इसको क्विकली देखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि आप समझ चुके हैं इसका आंसर क्या आएगा। देखते जल्दी से क्या है मालूम है, N1V1 = N2V2, N1V1 = N2V2, याद रख लेना। N1V1 तो हमें ये मालूम हो गया कि पहले स्थिर मात्रा कितनी, स्थिर मात्रा किसकी, दूध की, और दूध कितना है, तो दूध ये बता दिया गया था हमारा कितना था, 7:1, मतलब दूध कितने भाग है, 7 भाग है, कितने में, तो पूरे 8 में, पूरे 8 भाग में 7 भाग दूध है। घोल की मात्रा कितनी थी, V1, तो घोल की मात्रा थी 40 लीटर। बाद में कितना बनाना हमें, 3:1, तो स्थिर मात्रा कितनी है, यहाँ पर 3 है, तो हमने लिख दिया 3, और कितने में, 4 में। ठीक है, सबका अलग अलग हिसाब। हमने क्या बढ़ाया, पानी बढ़ाया, तो पानी बढ़ाया, घोल की मात्रा कुछ बढ़ेगी, तो कुछ बढ़ेगी मतलब कितनी बढ़ेगी, तो 40 में कुछ अलग हो जाएगी, x हो जाएगी, बस काट दो भाई। यहाँ से कटा 2 बार में, ठीक है, बराबर है, आराम से कटेगा। 2 से कटा 20 बार में, 20 सत्ती 140, यहाँ पर कितना आया, 3 चक्को 12 120, यहाँ पर प्लस एक्स आ गया, इसको हटा दो यहाँ से, तो कितना आएगा, सॉरी यहाँ से अभी 3 ये मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा, ये आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 20 आ जाएगा, यहाँ पर 3x आ जाएगा, तो आप निकाल सकते हो x बराबर 6 / 2/3 लीटर। ठीक है, x का मतलब हमें इतना पानी हमने मिला देना है। क्लियर है भाई ये सारी चीज़ें, अगर आप इस चीज़ को नहीं अगर समझ पाए तो पुराना सवाल पहले फिर से समझो उसको। N1V1 क्या है, N1 का मतलब मैंने बताया था ये स्थिर मात्रा है, ये दूसरे वाले अनुपात या दूसरे वाले घोल की स्थिर मात्रा है। V1 का मतलब पहला घोल जो हमारा मिश्रण था पहले, और ये बाद में जो घोल तैयार होगा। ठीक है, चलिए इसको हटा दें, सवाल की तरफ बढ़ते हैं। एजुकेशन बहुत ज़रूरी भैया, सारी चीज़ें लगती हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी हाल ही में एक घटना मेरे सामने आई जो एजुकेशन और जानकारी से मतलब परे थे वो लोग, उनके साथ कितना बड़ा हादसा हुआ आपको बताते हैं। एक गांव की महिला थी, अभी हाल ही में संज्ञान में आई बात, तो उसकी एज रही होगी वही मान के चलिए 27-28 साल, गांव में धान लगाने गई और उनके सांप ने काट लिया। सांप ने जब काट लिया तो यहाँ पर अंधविश्वास कहीं आता है या ज्ञान की कमी, वो डॉक्टर या हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वो पहुँच गए झाड़ फूँक कराने के लिए। उसने क्या किया, जो झाड़ फूँक करने वाला था उसने बांध दिया पैर को, जहाँ पर उसने काटा था सांप को बांध दिया, वहाँ पर जो भी उसको करना था झाड़ फूँक कर ली। करने के बाद वो आ रही थी रास्ते में, उन्होंने कुछ गर्मी लगी, घर में लेट गई, फिर घर में आई, बेहोश हो गई और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी एक बच्ची थी 1 साल की, अब वो बच्ची 1 साल की 1.5 साल की कुछ है, अब वो बच्ची ना तो रोती है ना हंसती है, बस एक ही वर्ड कहती है मम्मी। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना मतलब एक दर्दनाक नज़ारा हो सकता है, कितनी समस्या हो सकती, और सिर्फ किसकी वजह से, एजुकेशन की कमी की वजह से। अगर ज्ञान नहीं है आपके पास तो आने वाली पीढ़ियों को आप अंधविश्वास वाली या परंपरागत या प्रचलित कथाएं केवल सुना पाओगे, और अपना लॉजिक देने के लिए आपके बुद्धि नहीं बचेगी, क्योंकि आपकी बुद्धि होना जरूरी है। आपको अपनी पीढ़ी सुधारने के लिए अपना खुद का विवेक, खुद का दिमाग होना जरूरी है। वो कहते हैं ना कहावत, कौवा कान ले गया, अगर कौवा कान ले गया आपके पास खुद का लॉजिक नहीं है तो आप कौवे पीछे दौड़ोगे, वरना आप कान चेक करोगे। तो अंधविश्वास, प्रचलित कथाएं, परंपरागत, इनको जवाब देने के लिए, इन चीज़ों का तर्क करने के लिए, लॉजिक देने के लिए हमारे पास खुद का विवेक या खुद की बुद्धि होनी जरूरी है। और ये सब कहाँ से आएगी, तो ये सब यहीं से आएगी, पढ़ कर आएगी, चीज़ों को सीख करके आएगी, थोड़ा सा लॉजिकल बन के आएगी, अपनी कठोर मानसिकता को त्यागने से आएगी। क्लियर है भाई,
सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो सवाल में दो पढ़ाए हैं, वो मत सोचना कि सवाल आपने सर दो ही पढ़ाए हैं, इतने टाइम आपने ले लिया। ये समझो कि मैंने आपको कितनी स्मूथली, कितनी आसानी से उन कॉन्सेप्ट को आपको मुहैया कराया है जो आप घंटों में सीख नहीं पाओगे, घंटों में नहीं सीख पाओगे, घंटों में। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। सवाल में कहा है 200 लीटर की एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 17:3 है। मिश्रण में कुछ और दूध मिलाने के उपरांत, उपरांत मतलब बाद में, परिणामी मिश्रण यह 7:1 हो जाता है, तो बताइए दूध की मात्रा कितनी मिलाई गई। तो अब ये मुझे पता चल रहा है कि इसमें मिलाया क्या गया है, दूध मिलाया गया है। मतलब पहले जो था, पहले कितना था, 17:3 था, ऐसा समझना। इस टंकी में दूध और पानी कितना था, 17:3, मतलब M मतलब दूध, W मतलब वाटर, दूध कितना था 17 भाग था, पानी कितना था 3 भाग था। इसमें मिला दिया कुछ दूध, और कुछ दूध जब मिला दिया तो अब अनुपात बन गया है दूध और पानी का, क्या अनुपात बन गया है, तो बताया गया 7 भाग बन गए दूध और पानी बन गया 1 भाग। इतना क्लियर है, क्या मिलाने पर, तो हमने ऐड किया है दूध, ठीक है। तो अब समझ लो इस चीज को, तो यहां पर हो गया मिल्क, यहां पर हो गया वाटर, और यहां हो गया 7:1। तो ये बता दो मुझे स्थिर क्या है, स्थिर यहां पर हमेशा याद रखना, कांस्टेंट क्या है। तो कांस्टेंट सर कहोगे कि सर यहां तो आपका पानी कांस्टेंट है, क्योंकि मिलाया क्या गया है, दूध मिलाया गया। अगर पानी मिलाया जाता तो स्थिर दूध हो जाता, लेकिन यहां पर पानी स्थिर है, तो हमें पानी, देखो पानी क्या स्थिर दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। यहां पर पानी कितना है, 3 है, यहां पानी कितना है, 1 है। तो इसको हम स्थिर बनाने के लिए अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे को, तो क्या स्थिर हो जाएगा, यहां 3 हो जाएगा, कर दो भाई, 3 और 3 7 21, ये हो गया। अब एक चीज बताओ कि पानी कितना है, 3, यहां पर पानी कितना है, 3 है, यहां पर दूध कितना है, 17 है, और यहां पर दूध कितना है, 21 है। क्लियर, तो दूध 17, यहां पर दूध 21, कितना दूध बढ़ गया, तो दूध बढ़ गया है 4:1, अनुपात बढ़ा है, ध्यान रखना 4:1 दूध बढ़ा है। अच्छा ये बताओ मुझे कि पहले इस कनस्तर पे कितने भाग था, तो कहोगे सर सिर्फ 20 भाग था, लेकिन कितने लीटर था, तो ये बताओगे कि इसमें 200 लीटर था, जो 20 भाग है ये 200 लीटर के बराबर है, 20 भाग किसके बराबर है, 200 लीटर के बराबर है। तो ये मुझे बता दो कि 2 भाग कितने लीटर के बराबर हो गए, 20 के बराबर हो गए, 4 भाग कितने बराबर हो गए, तो 40 के बराबर हो गए। अब यहाँ पर कितने भाग मिलाए गए, कितने अनुपात मिलाए गए, तो 4 भाग मिलाए गए, इट मीन्स कितना मिलाया गया है, 40 लीटर मैंने क्या मिला दिया है, दूध मिला दिया। क्या बात क्लियर है यहाँ तक भाई सबको, अगर यहाँ तक क्लियर है तो आप अब वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मैं समझ गया हूँ या क्लियर है, इतना आप लिख दीजिए मैं समझ जाऊँगा आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, क्लियर लिख दीजिए बस, ठीक है। अगर नहीं आया है तो एक थम्सअप का निशान दे दीजिए, ये अंगूठे वाला होता ना, लाइक वाला है, लाइक वाला है ही ये समझ लीजिए। चलिए देखते हैं N1V1 देखते हैं भैया, हटा दे इसको, N1 जल्दी से देखते हैं, उसको भी आपको समझा देते हैं। अच्छा वो आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं बताया था उसमें, चलो कोई नहीं इसमें बता देंगे। देखो N1V1 देख लेते पहले, तो N1V1 बराबर N2V2, याद कर लेना N1V1 बराबर N2V2, N1V1 बराबर N2V2, N1V1 N2V2, बस N1 का मतलब पहले स्थिर मात्रा, N2 का मतलब बाद की स्थिर मात्रा, V1 का मतलब पहला विलयन या पहली मात्रा, और V2 का मतलब बाद का विलयन, बाद का घोल या बाद का मिश्रण या बाद की मात्रा। क्लियर है, चलिए। तो यहां पर हमने देखा था कि कितना था, तो यहां पर था क्या हमारा स्थिर 17:1 था, 17:3, तो स्थिर मेरा था यहां पर पानी, क्या था स्थिर, पानी, और कितने भाग में, 20 भाग में, क्योंकि 17:3 था। घोल कितना था, 200 लीटर, ठीक है। यहां पर क्या स्थिर है, यहां पर पानी स्थिर है, जैसे यहां पर पानी स्थिर है, तो यहां पर पानी कितना है, यहां पर पानी है 1 भाग है, कितने में, 8 में, क्योंकि 7:1 दिया है, समझना इस चीज को, ठीक। कितना बढ़ जाएगा, तो कुछ बढ़ जाएगा, किसकी वजह से, तो हमने दूध मिला दिया है, बस। देखो भाई काट दो, ये 0 0 कट गया, 2 से कटा, चलो यही काट दो, 10 और 10 3 30, ये हो गया इतना। अब ये 8 इधर आ जाएगा, तो 8 इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे, तो ये बन जाएगा 240, चलो 240 अच्छे से लिख दे, थोड़ा सा दिख जाए 240, ठीक।
यहाँ पर कितना 200 माइनस एक्स सब्ट्रैक्ट कर दो भैया, तो ये आ जाएगा इधर, तो ये इधर आएगा, तो ये बनेगा आपका 40 बन जाएगा कुछ, अच्छा प्लस है ये, तो ये बन गया 40 आपका, तो x बराबर 40, ठीक है। तो x बराबर 40 मतलब कि हमने कितना लीटर दूध मिलाया है, तो हमने 40 लीटर दूध मिला दिया है। इतना क्लियर है सारी चीज़ें, ठीक। अगर उस चीज़ को देखना चाहो देख लो, हम आपका इक्वेशन बना देंगे, बाकी आप सॉल्व कर लेना, हटा दें इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो भी लेना आपको। चलिए देखो सारी चीज़ें ये आपको फ्री में कहीं भी नहीं मिलेंगी, ध्यान रखना फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। पैसा नहीं तो टाइम सही, टाइम नहीं तो टेंशन सही, और टेंशन नहीं तो बेरोजगारी सही, बेरोजगारी नहीं तो आप समझते हो क्या क्या सही, तो सही कुछ नहीं, सब गलत होगा आपके लिए। चलिए इसको हमने बताया था कि 17:3 था, एक में कितना था 7:1 था, कितना भाग था इसमें, तो पूरा था इसमें 200 लीटर। देखते हैं इसको, 200 लीटर है, स्थिर क्या है या दूध क्या है, दूध पानी है ना इसमें, तो दूध हमने देखा 17 भाग है 20 में, तो इसको अगर कट कर देंगे तो ये बन जाए 17 × 2 = 34, इसे 2 से ये कट जाएगा 10 और 170, ये बन गया आपका दूध बन गया। 200 में आपका 3 भाग है 20 में, ठीक है, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, ये कट कर दिया, 10 आ गया, कितना हो गया 30 भाग हो गया मेरा पानी, ठीक है। तो हमने देखा दूध और पानी का रेशियो बन गया 70 और 30, 170 और 30। हमें क्या बनाना है, तो हमको बनाना है कि ये बन जाए 7:1 बन जाए, 7 भाग दूध बन जाए, 1 भाग पानी बन जाए। तो हमें इसमें मिलाना भी क्या है, तो हमको मिलाना है दूध, तो हमने मिला लिया x लीटर, हमने मिला लिया दूध मिला लिया, बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 × 3 = 21, तो ये हो जाएगा 210, और यहाँ पर कितना 170 और प्लस एक्स, प्लस एक्स कहाँ लिखें, जगह नहीं मिल रही, चलो हटा दें इसको और यहाँ पर लिखते हैं ये 170 और प्लस एक्स, चलो घटाओ, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। सारी चीज़ समझ गया हो, इसको स्क्रीनशॉट लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर बढ़े अगले सवाल की तरफ। ले लिया, अच्छा इसमें कुछ खास तो था नहीं जो आपको स्पेशली इसमें कुछ बताएं, मुझे केवल कॉन्सेप्ट समझाना था, वो मैंने समझा दिया है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं, इसको हटा दें इसको। चलिए देखिए, सवाल आपने ये भी देखा है कि सवाल मैंने एक एक वीडियो में 20-20 मिनट में 8-8 सवाल करवाए, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट की बात होती है तो वहाँ पर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, आपको समझाने की बात आएगी। देखो रटाना अलग है, समझाना अलग है, समझाने में टाइम लगता है लेकिन समस्याएं कम रहती हैं आगे, और रटाने में टाइम नहीं लगता है, ट्रिक पढ़ाने में टाइम नहीं लगता है। देखो मैंने कभी अपने पढ़ाने में आपको ये नहीं लेवल बताया, ये टेट के लिए है, ये SSC के लिए है, ये इसके लिए, मैंने आपको एक लेवल से पढ़ाया 0 से लेकर के, ये सवाल आप देखना आपके लिए है, तो ये मैंने आपको पढ़ाया 0 से लेकर के हर लेवल तक, या आपको 100+ सारी चीज़ें बताई हैं, 0 से 100 तक सारी चीज़ बताने की कोशिश की, सारे टाइप कवर कराने की कोशिश की है कि आप इसमें मैथ पूरा समझो, जब पूरी मैथ समझ लोगे फिर आप एग्ज़ाम चाहे जो हो, एग्ज़ाम आपका चाहे जो हो, चाहे आपका SSC हो या आपके छोटे छोटे बच्चों वाले एग्ज़ाम ये सब हो, या फिर आपका जैसे कह सकते हैं CSAT वगैरह देते हैं, वो भी एक छोटा एग्ज़ाम है, अच्छा एग्ज़ाम इन्हीं को मानेंगे, ये सब अच्छे एग्ज़ाम हैं, SSC हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, ये थोड़े अच्छे एग्ज़ाम हैं। अब टेट हो गया, CTET हो गया, CSAT हो गया, जो CSAT में मैथ आती है जैसे PCS वगैरह की आती है, तो वो बच्चों वाले एग्ज़ाम हो जाते हैं, बच्चों वाले मतलब कि बहुत लेवल कम होता है उनका, तो वो भी आप, तो मैंने कोशिश आपकी सारी की है कि सारे टाइप आपको समझा दें जिस लेवल से आपको पढ़ना हो। अगर आप छोटे लेवल पढ़ना चाहते हो तो जैसे मेरे परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, तो उसको स्टार्टिंग की पार्ट देख लो आप, क्लियर हो जाएगा। और बाकी अगर सारी चीज़ आपको अच्छे से पढ़नी है, जैसे मेंस वगैरह देखना है, तो आप इसको पढ़िए पहले, सारे वीडियो पढ़िए, और फिर प्रैक्टिस जब कराएंगे तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा, अगर SSC UPSI ये सारी चीज़ अगर आप करना चाहते हो, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट वाले जितने पार्ट हैं वो सारे करा दिए, अर्थमेटिक मैंने आपको 60 से 70% आपको पढ़ा दी है, ठीक है। तो भैया यहीं पर रखते हैं अपनी कहानी, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। अगर आपको वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी है तो अब आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं, थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर देना, और जो आपके अन्य दोस्त उनको बता देना कि क्लासेस चलती इस प्रकार से, आप सारी चीज़ समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, अगर आपको अच्छा लगता है तो, ठीक है। तो आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।